सभी का स्पोर्ट्स तक पे। और एक जो बड़ी खबर अभी आ रही है वो पाकिस्तान से आ रही है। पाकिस्तान ने चौथे टी20 आईज में इंग्लैंड को 3 रन से हरा दिया है। मतलब आखिरी बॉल तक जो चल रही थी कहीं सांस को थाम देने वाली मैच, आखिरी बॉल तक तो जान ही नहीं दिया। आखिरी ओवर की दूसरी बॉल पे रन आउट करके मैच खत्म कर दिया उन्होंने। हारी हुई बाजी जो आप कह रहे थे, स्टॉफ ने जो एकदम हारी हुई बाजी जिताई है पाकिस्तान के लिए। और ये मैच बिल्कुल कभी ऐसे सेकंड इनिंग्स में, एक वक्त पे तो आराम से इंग्लैंड जीती दिख रही थी। 7 बॉल पे 4 रन को चाहिए थे। एम लॉसन ने जो मोहम्मद हसनैन को 24 रन मारे जो 18वें ओवर में, उसके बाद तो ऐसा लग रहा था कि बस मैच खत्म है। उसके बाद हरी श्रॉफ आए, वहाँ पे विकेट निकाले, बस मैच पता नहीं कहाँ से चेंज कर दिया। शानदार बहुत ही नजदीकी मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड को शिकस्त दी है। फिलहाल पाकिस्तान जो और इंग्लैंड के बीच 7 T20 मैचों की सीरीज चल रही है, उसका 4th मुकाबला जीत गया। अरुण भाई चाहेंगे क्या थोड़ा सा बता दो इस मैच में क्या क्या हुआ? चल चुके इस मैच में वापस पाकिस्तान को ले आए, मतलब 4 रन चाहिए थे 7 बॉल में बनाने को, पर विकेट नहीं थे ना उनके पास, क्या करें। आदिल राशिद फिर भी थोड़ी बहुत लॉन्ग बॉल को मार देते हैं, तो आदिल राशिद ने वहां पे ट्राई करा, लेकिन वहां पे तो इस मैच का रिजल्ट आप किसको देना चाहेंगे, हसनैन सॉरी हैरिस रॉफ की शानदार गेंदबाजी या इंग्लिश टॉप ऑर्डर की खराब बल्लेबाजी? मैं ये बोलना चाहूंगा क्योंकि आप कुछ भी हो, एकदम से एंड में आप देख रहे हो कि सेट बैटर है, चाहे वो लोअर ऑर्डर बैटर है, सेट बैटर है, उसके बाद जो ऐसे आपने गेम चेंज कर दिया काबिले तारीफ है। और रॉफ को मतलब इसमें मैन ऑफ द मैच मिलना चाहिए। हाँ, चूंकि आखिर अगर आपके पास 6 गेंदों में 4 रन डिफेंड करने के लिए और 3 विकेट बाकी हो, अगर वहां से आप 3 रन से मैच जीत जाते हैं तो कहीं ना कहीं ये बॉलर को पूरा क्रेडिट जाता है इस मैच का। और पाकिस्तान फिलहाल 2-2 की बराबरी पे सीरीज में, और ऐसे जो